हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप प्रोडक्ट्स ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं निहार नेचुरल्स कोकोनट विद मेथी जैस्मिन हेयर ऑयल का। तो ये हेयर ऑयल आपके हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसका प्राइस क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही प्रोडक्ट्स के जनरल रिव्यूज़ पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 400 ml का कंटेनर है ये आपको मिल जाता है लगभग 160 रुपीज में। ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखने में ट्रांसपेरेंट सा लगता है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की होती है। अब बात करेंगे कि ये आपके हेयर के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। देखो, इसमें आपको मिलता है कोकोनट प्लस इसमें मेथी भी आपको मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि मेथी आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है, आपके हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम करती है। तो कोकोनट के साथ इसमें मेथी मिलता है और कोकोनट के तो अपने काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ही। तो इसके अगर हम इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो इसमें 81% है मिनरल ऑयल, इसके अलावा कोकोनट ऑयल है इसमें 18%। इसके अलावा इसमें फ्रेग्रेंस भी है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सूदिंग है। जैस्मिन एक्सट्रैक्ट है, इसमें विटामिन ई है, विटामिन ई भी आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। आप इसको हेड वॉश करने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले अपने हेड पे मसाज कर सकते हैं। हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, देन आप 1 से 2 घंटे बाद अपना हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट लगा करके अपने हेयर में छोड़ सकते हैं, देन मॉर्निंग में आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो आपके हेड को ये एक कूलिंग सा इफेक्ट देता है। वैसे आप इसको किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, समर विंटर या फिर किसी भी सीज़न में, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहता है ये समर सीज़न में। अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स की तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपके हेयर फॉल को ये काफ़ी हद तक कम करता है। ठीक है, आपके हेयर फॉल को कम करता है। और एक प्लस चीज़ ये है कि नॉन स्टिकी है, इसमें कोई भी स्टिकनेस आपको देखने को मिलती, चिपचिपापन फील आपको नहीं होता आपके हेयर को। अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है तो आप बहुत ही हल्का सा हेयर ऑयल अपने हेयर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से जो है अच्छे रिजल्ट चाहिए, आपको जो है हेड वॉश करने से पहले यूज़ करना है, तो आप इसकी ठीक ठाक क्वान्टिटी लेकर के अपने हेड पर मसाज कर सकते हैं। आपके हेयर को शाइनिंग इफेक्ट देता है जब अपना हेड वॉश कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जो आपके हेयर है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। इससे हेयर फॉल को रोकता है और इसके अलावा आपके हेयर में एक नेचुरल शाइनिंग ये प्रोवाइड करता है। जो एक रूखापन सा होता है ना उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपको और भी कोई रिव्यू चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है और कुछ इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपको जो है देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से ये आपको जो है देखने को मिलता है। नॉन स्टिकी है, बिल्कुल चिपचिपापन भी इसमें नहीं है, बहुत ही हल्का सा है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।